हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानवी की रसोई। आज देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कल हरतालिका तीज है 18 सितंबर को, तो उसके लिए हम ये गौर ले आए हैं। इसमें देखिए, ये भोले बाबा और गौरा जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नीचे छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है। अगर आप गौर नहीं बना पाते तो मंदिर मार्केट में कच्ची जो होती हैं, जो विसर्जित होने के बाद मेल्ट हो जाएँ, वो गौर मिलती हैं, तो आप ला सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, हम सुहाग का सामान लाए हैं। इसमें 16 सिंगार हैं जिसको कि हम दान करेंगे। हमको सुहाग का सामान जरूर दान करना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, सौभाग्य की रक्षा के लिए। तो इसमें देखिए, चूड़ी, गंगा, सीसा, रंग, जो भी 16 सिंगार हमारा होता है, सारा सामान हम इसमें लेके आए हैं। इसको हम दान करेंगे। सुबह मीठी पूड़ी हमारे यहाँ बनाई जाती हैं, गौरा जी को एक दोना दिया जाता है, उसमें 7, 5, 11 जितनी भी आप मीठी पूड़ी बना के केले के पत्ते के दोने में गौरा जी को दक्षिणा और सब दिया जाता है दान करने के लिए। और वही 7 पूड़ी बनाकर इसमें रखेंगे और दक्षिणा, और ये सब सामान हम किसी ब्राह्मण को दान करेंगे, सुहागिल स्त्री को दान करेंगे। उसके बाद ये एक देखिए साड़ी, और इसमें सुहाग का सामान है, ये हम गौरा जी पे चढ़ाएंगे पूजा के टाइम, जिसको कि हम बाद में यूज करेंगे। आप अगर नहीं भी व्रत रहते हैं तो प्लीज़ गौरा जी पे सुहाग का सामान चढ़ाइए और उसको यूज कीजिए, उपयोग कीजिए, चूड़ी उड़ी पहनिए, इससे आपके सौभाग्य की रक्षा होगी। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको जो ये दान होता है, ये सुबह किया जाता है, और जो सुबह नहा के आप रंग लगाइए, गौरा जी का सुहाग लीजिए, और फिर आप उन पे जो सुहाग का सामान है वो निकाल लीजिए। 14 काली चूड़ी भी लाई जाती हैं जो गौरा जी पे चढ़ाई जाती हैं, वो फिर आप प्रसाद में बांट दीजिए, एक दो खुद यूज कर लीजिए। और लाइव पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।